भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। राधे राधे। हर दिन की भांति आज श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के अध्याय 12 की पावन कथा साईं की द्वारिका माई में बाबा को सुनाने जा रहे हैं। बाबा, ये महाग्रंथ आपके परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्त जी के आदेश पर आपके सेवा में हम बाबा आपको ये समर्पित कर रहे हैं। बाबा इसे सुने और हमसे जो गलतियां हैं उसे क्षमा करें, भक्तों का कल्याण करें। जो भक्त इस चैनल पे नए हैं, जो शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सब पे अपनी कृपा करें। आप भी इस महाग्रंथ के वीडियो को लोगों में प्रसारित करें ताकि उनके जीवन में आ रहे कष्ट व परेशानी खत्म हो। समय नहीं लेते हुए अब ये महाग्रंथ चालू करते हैं। बस एक आग्रह कि इस महाग्रंथ को अगर आप प्रारंभ करते हैं पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ज्वाइन जरूर करें चैनल को, जिससे आपके द्वारा पैसे ज्वाइन की रकम से इस धाम का विकास, गरीबों का भला होता है, जिसके वीडियो आप देखते रहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर 12वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका आगमन से द्वारिका वासियों को जो आनंद हुआ उस कथा का यहाँ पर बताया गया है। सूत जी कहने लगे कि शुनकादि ऋषियों, जब सब लोग हस्तिनापुर को लौट गए तब भगवान श्री श्याम सुंदर ने अर्जुन को तीव्र गति से रथ को चलाने की आज्ञा दी। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण चंद्र की आज्ञा अनुसार रथ की गति को तीव्र कर दिया। जब वे विदर्भ देश, कुंडिनपुर, कुंती देश, पंजाब तथा काश्मीर आदि देशों के मार्ग से होकर आगे बढ़े तो मार्ग में सभी देशों के राजाओं ने आनंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र का भेंट दी। ये सभी राजा श्री वृंदावन बिहारी के दर्शनों से कृतार्थ होकर कहते थे कि जिन भगवान ने भूमि का भार हरण करने के निमित्त मनुष्य रूप में अवतार लिया है तथा जिनके दर्शनों के लिए ब्रह्मा एवं शिव आदि भी अभिलाषित रहते हैं, आज उन्हीं पर ब्रह्मा परमेश्वर के दर्शन करके हमारा जन्म सफल हो गया। इससे अधिक अहोभाग्य और क्या हो सकता है। तत्पश्चात जब तीसरे दिन भगवान द्वारिका नाथ का रथ द्वारिकापुर के समीप पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पंचन्य नामक शंख को बजाया और उस समय द्वारिकापुरी के समस्त नर नारी उनका आना सुनकर बड़े हर्षित हुए। भगवान श्याम सुंदर हस्तिनापुर जाने से पहले अपने पुत्र सांब एवं पौत्र अनिरुद्ध को द्वारिकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ गए थे। वे दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपने दल यदुवंशियों एवं ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों के सहित गाते बजाते और मंगलाचार करते हुए श्री कृष्ण चंद्र को लेने के लिए चले। उन्होंने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि महाराज श्री द्वारिका नाथ जी पधार रहे हैं, अतः सब लोग अपने अपने घर, बाजार, हाट और दरवाजों को सजाकर मंगलाचार करें। इस आदेश को सुनकर सब द्वारिका वासियों ने नगर को केसर, चंदन, पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से युक्त करके द्वार द्वार पर सोने के मंगल कलश रख कर बंधन वार बंधवा दिए और सभी गजगामिनी सुंदर स्त्रियां 16 श्रृंगार करके सोने के थालों में मंगल आरती सजाकर भगवान द्वारिका नाथ का पूजन करने के लिए अपने अपने द्वारों पर आकर खड़ी हो गई और बहुत सी स्त्रियां भगवान वृंदावन बिहारी की इस मनोहर छवि के दर्शनों के लिए खिड़कियों एवं अटारियों पर जा बैठी। जिस समय भगवान श्री द्वारिकाधीश ने त्रिबंधी छवि किए द्वारिकापुरी में प्रवेश किया उस समय सभी छोटे बड़े लोगों ने उनका दर्शन करके
फूलों की वर्षा की और बड़े जोर से जय ध्वनि करते हुए ऐसा हर्ष मनाया जैसे कोई मृतक देह में नए प्राणों का आगमन हुआ हो। तब श्री द्वारिका नाथ जी सब लोगों से यथा योग्य दंडवत प्रणाम करके मिले और सबको आशीर्वाद तथा आनंद देते हुए श्री कृष्ण चंद्र जी ने भवन में जाकर अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया। देवकी वासुदेव तथा राजा उग्रसेन ने जब पांडवों की विजय का समाचार सुना तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उस समय संपूर्ण द्वारिका वासियों ने श्री द्वारिका नाथ से कहा कि हे दीन बंधु, आपके बिना हम सब लोग अंधे के सदृश थे। जिस प्रकार आँख होते हुए भी अंधेरी रात में चंद्रमा के बिना कुछ दिखाई नहीं देता, वही हाल हम लोगों का भी है। भगवान द्वारिकाधीश जब रनिवास में गए उस समय रुक्मणी आदि सब पटवानियों ने अपने अपने भवनों में खड़े होकर उनका बड़ा सम्मान किया और श्री श्याम सुंदर के विरह में उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषणों को पहनना त्याग दिया। परंतु उस दिन जब रानियां अपने अपने श्रृंगार किए हुए थी, भगवान नंद नंदन उस समय एक ही साथ अनेकों रूपों से उन सब रानियों के भवनों में गए और सभी छोटे बड़े द्वारिका वासियों को आनंदित किया। बोलिए भगवान वासुदेव की जय। वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर की ये पावन कथा अभी जारी है। अगले अध्याय में श्रीमद् भागवत महाग्रंथ के आगे के अध्याय आपको बताएंगे, बाबा को सुनाएंगे। आप सभी इस महाग्रंथ को अधिक से अधिक लोगों में प्रसारित करें ताकि सबके जीवन में आ रहे कष्टों को भगवान वासुदेव जी खत्म कर सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए। बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।